केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी और गरीब तबके के लोगों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं के संचालन के लिए छोटे छोटे गांव में पंचायत एजेंसी का निर्माण किया गया और सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक के पद की नियुक्ति की गई, जिसमें सचिव और रोजगार सहायक उच्च अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारी हैं और सरपंच, जिसे जनता अपने जन नेता के स्वरूप में हर 5 वर्ष में चुनती है। जब यही अधीनस्थ कर्मचारी योजनाओं को सीधा जनता तक ना पहुंचाएं और अपने करीबी और अपने घर तक पहुंचाने लगे तो उस पंचायत के विकास कार्यों को आप सहज ही समझ सकते हैं। शासन की योजना सीधा उन तक पहुंच सके जिनका हक है, योजनाओं में जिससे इन लोगों के परिवार आसानी से गुजर बसर कर सके, इन योजनाओं का सही सुचारू रूप से संचालन हो सके, इसके लिए जनपद से लेकर जिले तक के उच्च अधिकारियों की टीम होती है जो अपनी सहभागिता निभाते हैं। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के मझगवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरा की, जहां सरपंच सचिव की मनमानी इस कदर हावी है कि पीएम आवास योजना के तहत मजदूरों को होने वाले मजदूरी का 18,000 रुपए की लगभग राशि जॉब कार्ड के माध्यम से हितग्राही के बैंक में खाते में पहुंचती है, जिसमें हितग्राहियों ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर पीएम आवास की मजदूरी का पैसा बंदरवाड़ कर हजम करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा अंतर्गत मेड बंधान हो, डंग पॉइंट हो, खेत तालाब हो या तालाब हो, सभी कार्यों में नाम मात्र के काम करवाए गए हैं। सभी कार्य मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीनों से करवाए गए हैं। मशीनों से कराए गए कार्य का विरोध करने पर सरपंच सचिव द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता था और कहा जाता था हमारा सब फिट है, यहाँ नीचे से ऊपर तक देने पड़ते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हमने अपने खेत के समतलीकरण और सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा खेत के समतलीकरण के नाम से फर्जी तरीके से राशि अर्जित कर ली गई है, जिसकी शिकायत भी की गई है। गलत निकाला गया, मैं उसमें काम नहीं कराया हूं। टीएस जरूर कराया था, कुछ कारण बस न किया होगा काम, तो वहाँ काम नहीं हुआ, पैसा निकला अभी मालूम पड़ा हमको जांच होने पर। बाकी और जितने मैं कराया हूँ तो मैं फाल्स काम मेरा कोई नहीं है, जितना काम कराया उतना ना कहिए, कहीं 2-4-5 सौ रुपये अगर ज़्यादा निकल गए हों, ऐसा हो भी सकता है, पर मैं गलत काम किया नहीं अभी तक। रही गई रोजगार सहायक के बारे में बात, ग्रामीणों का आरोप है कि जो भी काम हुए हैं मनरेगा के तहत जेसीबी से काम हुए हैं और फर्जी जॉब कार्ड बनाकर पैसा आहरित किया गया है। जॉब कार्ड फर्जी तो नहीं है, वो जो जेसीबी की बात है, जहाँ जैसे गर्मी में कड़क मिट्टी रहती थी वो बजरी रहती थी, तो माल ढीला कराया गया जेसीबी से और बाकी काम मजदूरों से हुआ, जेसीबी लगा के ढीला कराया गया माल। और भी शिकायत किया हूँ जनपद में, शिकायत किया हूँ कि उनकी मजदूरी क्यों नहीं आ रही रोजगार सहायक के द्वारा, क्योंकि जो पुराना रोजगार सहायक हमारा है, उस जनगणना में जो भी कर्मचारी रहा होगा वहाँ उनका डाटा गलत फीड हो गया उनसे, या कि वहाँ का डाटा नहीं मिला, इस वजह से उन लोगों का नाम आर्थिक जनगणना की सूची में सबमिट नहीं हुआ। सबमिट न होने की वजह से जो है उनको इस योजना का लाभ नहीं। वहाँ के जो ग्रामीण हैं कई बार आपके पास आ चुके हैं आवेदन लेके कि हमारा जो गांव है हम लोगों को पीएम समझ ले, पूरे गांव वाले कहे ये भी कह रहे हैं, तो उसके लिए आपने कुछ अधिकारियों को कुछ देखिए हम उसमें कार्रवाई लिख के जो है नाम ऊपर दिया है, पर वो डाटा नहीं मिला वहाँ का, जो डाटा शासन स्तर से आता है उसकी आईडी। आपके आवेदन पे उच्च अधिकारियों क्या कहना रहा? उच्च अधिकारियों ने कहा कि जब भी जनगणना होगी तो डाटा आ जाएगा, डाटा में फीड हो जाएगा, उनको लाभ मिल जाएगा। का भुगतान देखिए शुरू है, हो रहा है, जो अभी नहीं हुआ वो अब प्रकरण पड़े हुए हैं मास्टर मूल्यांकन के लिए, जब भी मूल्यांकन होके भुगतान हो जाएगा उनके खाते में। किसका किसका नाम उसमें दर्ज किया गया? आप इस गांव में किस पद पर पदस्थ हैं? जीआरएस के पद। आप जीआरएस हैं, जीआरएस पूरा मनरेगा गारंटी का योजना का कार्य दे। नाम क्या उनका? नाम तो पता नहीं है। जनपद में आप अधिकारियों को दिया, आप उनके आपके कुछ अधिकारी हैं, आप उनको नाम नहीं पता आपको उनका? लिखित में दिया हूँ, पास पावती भी है, यहाँ तो नहीं लिया हूँ। यहाँ के जो ग्रामीण हैं आरोप लगा रहे हैं कि जीआरएस पीएम आवास में पैसे मांगते हैं तभी पीएम आवास देते हैं, और मेड़ बंधान है, खेत तालाब है, तो उसमें जेसीबी से काम करवाया गया है। कोई जानकारी नहीं किसका मेड़ बंधान है, कहाँ हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, और कब मास्टर निकाले गए हैं, मुझे कोई पता नहीं। ना पीसीसी रोड का पता है, ना नवीन तालाब का पता है, ना डक पॉइंट का पता है, ना कंट्रोल टेंस का है। ये रोजगार सहायक द्वारा आज तक किसी भी हितग्राही से पूछा जाए उसकी मजदूरी सचिव रोजगार सहायक द्वारा नहीं दी गई। खाता नंबर दूसरे का लगाता है अपने आदमी का, आधार कार्ड हमारा लगाता है, अब बोलता है तुम्हारे खाता में आ जाएगा, देखो हम जाते तुम्हारे जीरो बताता है।
सब पैसा पूरा चला जाता है उनके खाते में, रोजगार सहायक के आदमियों के खाते में वो पैसा निकाल कर मौज मस्ती कर रहा है। आपका कब निर्माण करवाए थे पीएम आवास का? मैं आज 2 साल हो गया, मुझको मिला था आवास का ये में 11 वाला सूची में, तो मेरा बन चुका है, लेकिन आज तक 2 साल से आज तक मेरी मजदूरी एक पैसा नहीं आई।